और नाजरीन अभी आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के साथ साथ तकरीबात भी जारी हैं। पिया फाउंडर्स एलबीएफ अलायंस के सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान और दीगर नामजद उम्मीदवारों के एजाज में बट स्टेट के सीईओ नदीम बट की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अहमद रियाज बलोच के साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे नदीम बट साहब जो कि मेजबान थे, आज पूरी ताजर कम्युनिटी ने जो पीएफ फाउंडर्स एलबीएफ अलायंस है उसकी मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी का ऐलान किया है। और हमारे साथ इस वक्त नासिर हमीद खान साहब भी मौजूद हैं, नदीम बट साहब भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ शालम मार्किट से जो चेयरमैन है बोर्ड के वो भी मौजूद हैं और दीगर अहदेदारान भी मौजूद हैं। बात कर का आगाज करेंगे नदीम भट्ट साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आज ताजों ने हमायत का ऐलान किया है? जी आज अपना नासिर अमीर साहब और मलक अमी अपना अमजद चौधरी अमजद साहब और अजमत शाह साहब और दीगर दोस्त उनका मैं शुक्रिया करता हूँ कि वो सगियाँ पे आए, उनका हमने वेलकम किया है। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी हमायत इनके साथ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्या फाउंडर एलबीएफ अलायंस को नदीम भट्ट साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्या फाउंडर अलायंस एलबीएफ अलायंस को यहाँ बुलाया और कसीर ताजरों की तादाद बुला के हमारी इज्जत की और जितने वोटर बुलाए हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। भट्ट साहब का भी, नासिर हमीद साहब का, चौधरी अमजद साहब का। ताजर बरदरी हमेशा लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के साथ चली है, अब हमारा अलायंस हो गया है प्या फाउंडर के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे लड़के इकट्ठे मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह फतह कामयाबी अता फरमाएगी हमारे अलायंस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं नदीम भट्ट साहब का, साबर अशरफ साहब का और अजमत शाह साहब का बहुत दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें मौका दिया सगिया पुल पे आके बात करने का, अपना मौकफ सामने रखने का। हमने इन्हें यकीन दिलाया है, प्याप फाउंडर एलबीएफ अलायंस ने इनको यकीन दिलाया है कि जी इनके जो भी मसाइल सगिया के होंगे या पूरे पाकिस्तान के होंगे, लाहौर चैम्बर उनको बिल्कुल ऐसे ही हल करेगा जैसे अपने घर के मसाइल हल करते हैं। तमाम ताजरों के साथ हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अंजमन ताजरान सगिया की जो है उन्होंने, नदीम भट्ट साहब ने और साबर अशरफ साहब ने जो हमें यकीन दिलाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह साला ये पूरे के पूरे पैनल वोट, 200-250 वोट ये कह रहे हैं, पैनल के पैनल वोट हमें ये दिलाएंगे। सबसे पहले तो जी नदीम भट्ट साहब, अजमत शाह साहब और इनकी अंजमन ताजरान सगियां जो है उनका मशहूर हूँ कि आज उन्होंने यहाँ एक गैदरिंग का एहतमाम किया और आज हम हाजिर हुए अपने इलेक्शन कंपेन के सिलसिला में और इन्होंने मोस्ट ऑफ ताजर यहाँ बुलाए हुए थे जो वोटर भी हैं और उन्होंने हमें यकीन दिलाया वोट का और इंशाल्लाह हम इनकी जो यूनिटी है उसको अपनी यूनिटी के साथ मिला के इनके मसाइल का इकट्ठे हल बैठ के निकालेंगे और इंशाल्लाह इनके मसाइल का हल निकलता हुआ नजर आएगा। अल्लाह ने वो वक्त लाए चैम्बर में बैठे, जैसे कि इन्होंने पिछली मेरी कादगदगी को भी सराहा और इंशाल्लाह ये मैं आगे भी इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा और उनके मसाइल का हल निकालूंगा। बहुत शुक्रिया। ये थी जी दोनों साइड की गुफ्तगु, आपने मेजबानों की भी गुफ्तगु सुनी और मेहमानों की भी, और नासिर हमीद खान साहब बाहर भी जो जलसा था उसमें भी ये कह चुके कि हम यकीनी तौर पर नामजद होने के बाद जो